are watching BNS News. आज के हेडलाइंस। जापान संकेत देता है कि अधिक वेब थ्री प्रमोशन पॉलिसीज आ रही है। यूरोपियन स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स को न्यू मिका गाइडलाइंस के तहत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स का सामना करना पड़ता है। साउथ कोरियन डेट देने वाले प्लेटफॉर्म डीलो एसेट जब्त होने के बाद ऑपरेशन को ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने वेब थ्री प्लान्स की कंफर्मेशन की क्योंकि बाइनेंस ने इमिनेंट लॉन्च की घोषणा की। पिछले 24 घंटे में एक व्हेल द्वारा बाइनेंस के 30.8 मिलियन डॉलर्स वैल्यू का ETH डंप किया गया। एल्गोरैंड फाउंडेशन की ई बुक पब्लिक ब्लॉकचेन एनोनिमिटी पर प्रकाश डालती है। क्रिप्टो ब्रेकडाउन क्रिप्टो क्रैकडाउन के बीच फेडरल रिजर्व के पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स खोला। स्पैनिश बैंक इन ENG क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड की ऑफर शुरू किए। गेमिंग दाओ के सोशल मीडिया हैक के बीच यूजर्स को फेक एयर ड्रॉप्स के बारे में चेतावनी दी है। नीडल समर हैकेथॉन्स ने 3rd विनिंग प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। इथेरियम के NFT प्रोजेक्ट्स के लिए रॉयल्टीज 6,99,816 ETH पहुंच गए। बैलेंस एंड CZ CFTC मामले को खारिज करेंगे। जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने कहा कि देश के एनुअल ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क में ऐसे मेजर शामिल हैं जो यूजर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं और साथ ही में वेब थ्री टोकन के यूज के लिए एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट एंड कंटेंट इंडस्ट्री को रिवाइव करते हैं। CoinDesk की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने हाल ही में ड्राफ्ट रूल सर्कुलेट किए हैं जिससे यूरोपियन स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है जिनके इन्वेंट्री के लार्ज अमाउंट में डेरिवेटिव्स और कवर किए बॉन्ड शामिल है। लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार साउथ कोरियन रेगुलेटर के एक्शन ने कंपनी के लिए जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करना हार्ड बना दिया है। इसने डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में प्लेटफॉर्म के एसेट के स्क्रैटरिंग को रोकने की नीड पर भी हाईलाइट किया। साउथ कोरियन डिजिटल एसेट सेविंग एंड लोन देने वाली कंपनी डेलियो यूजर्स विड्रॉल को सस्पेंड करने के 1 महीने से अधिक समय बाद डीप क्राइसिस में फंस गई है। ऑफिशियल्स ने 18 जुलाई को डेलियो के एसेट जब्त कर लिए जिससे एलिजेडली इसका ऑपरेशन इंटरप्ट हो गया। जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने इंटरेस्ट को ट्रांसफॉर्म एंड सोशल चेंज लाने के इसके पोटेंशियल्स पर प्रकाश डालते हुए वेब थ्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए देश के कमिटमेंट की कंफर्मेशन की। लुकॉन चेन ने आज फर्स्ट ट्वीट किया कि एक व्हेल ने पिछले 24 घंटे में बाइनेंस पर 16,751 ETH डंप दिया। ट्रेडिंग के आखिरी दिन के दौरान 1.04% की गिरावट के बाद ETH की प्राइस 1,851.09 डॉलर थी। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया कि अगले कुछ दिन के ETH 1,840 डॉलर से नीचे गिर सकता है। एल्गोरैंड फाउंडेशन के रिसर्चर्स की ई बुक नेटस्टेक का प्रूफ कंसेंसस मैकेनिज्म एंड VRF लॉटरी की खोज करती है। फाउंडेशन के मेंबर बताते हैं कि सिस्टम वोट्स के माध्यम से 1,000 मेंबर कमिटीज द्वारा ब्लॉक प्रपोजल वेरिफिकेशन का यूज करता है। मेंबर का कहना है कि स्मॉल डायनेमिक कमिटीज में एनाटॉमी करप्शन के सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को बढ़ाती है। ये लॉन्च तब हुआ कि जब फेडरल रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स के पेमेंट सिस्टम की मॉडर्न एंड वेल ऑर्गेनाइज करने वाले डिस्कशन कर रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम्स पर रिसर्च 2021 में जारी है। फेड नाउ यूजर्स एंड बैंक्स के बीच प्रॉम्प्ट पेमेंट की सक्सेस बनाता है और अपने 24/7/365 ऑपरेशन का क्लेम करता है। यूजर्स ने अपने फंड तक फुल एक्सेस होगी और सर्विस में शामिल होने के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करना होगा। फेडरल रिजर्व को उम्मीद है कि सर्विस के पूरे देश में फंड के फ्लो में तेजी आएगी। मेजर स्पैनिश प्राइवेट बैंक ENG ने एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड की ऑफर शुरू की है जो यूरोपियन नेशंस में इसे अपनाने की ग्रोथ का संकेत है। यूरोपियंस प्रेस ने बताया कि रेगुलेटर नेशनल सिक्योरिटीज मार्केट कमीशन के साथ फंड के ब्रोशर्स को रजिस्टर करने के बाद ENG तक इन्वेस्टमेंट फंड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा।